स्टूडेंट YouTube के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलेशन वेलोसिटी ऑफ अ लिंक, है ना। वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला होगा, और एंगुलर वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है एक आता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेलोसिटी एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर हम इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उस पे बेस्ड जो है ये टॉपिक है, जिसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, उन फॉर्मूलेज की मदद से आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो इस पे बेस्ड एक आईएएस के अंदर न्यूमेरिकल आता है, गेट के अंदर भी न्यूमेरिकल आता है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए, इस यूनिट को अच्छे से कीजिए। तो इसको हम समझते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है ये, जैसा कि ये लिंक है, एक समझना ये एक फिक्स्ड लिंक है, इस पे एक ये लिंक रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये घूमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये कुछ इस हिसाब से ये घूमेगा, रोटेट करेगा, तो इसको बोलते हैं ओमेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, ओमेगा, कि इतने इससे ये घूमेगा। तो जनरली ये जो लिंक है, जैसे कि ए, ये ओ ए है, तो यहाँ पर ये जो है इसकी वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। इस लिंक की, अगर इस लिंक के लिए वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ऐसे इधर या इधर, ये क्लॉकवाइज है, तो ऐसे इसको बोलेंगे वी ए, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इस लिंक का, इसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी फाइंड करते जाएंगे, ऐसे एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, ये डब्ल्यू जो होता है आपका, जनरली अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये होता क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है आपका वी अपॉन आर, या वी अपॉन जो ए वी डिस्टेंस, ये ओ ए डिस्टेंस है, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये एक लीनियर वेलोसिटी तो एक एंगुलर वेलोसिटी होती है, मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस किया था, मैंने बताया था आगे इसका यूज़ करेंगे। तो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, और इसको हम कैसे मालूम करते हैं, अगर आपको वेलोसिटी मालूम हो लिंक पॉइंट ए पर, और आपको ये डिस्टेंस मालूम हो, ये वाली डिस्टेंस आर, अगर आपको ये डिस्टेंस मालूम हो, तो यू कैन फाइंड आउट द ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम एक ऐसे भी फाइंड करते हैं, 2πn/60, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एन क्या है यहाँ पर, आर पी एम है, ये जो लिंक है आपकी कुछ इतने आर पी एम से घूम रही है, वो बोलेगा आपको, तो यहाँ पर रखोगे तो उसकी आप ये डब्ल्यू निकाल सकते हो, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, और ये डब्ल्यू आएगा रेडियन पर सेकेंड, हमेशा रेडियन पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि ये कुछ एंगल से घूमेगा आपका, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे हम बोल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ नोन एज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करना है, तो जैसा कि ये इसका कॉन्टेक्ट इसी से है, ये वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो। तो वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करना है पॉइंट ए पर, ये वी ए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको एंगुलर वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, इंटू एंगुलर वेलोसिटी इंटू ये डिस्टेंस जो आर है, ए वी डिस्टेंस। तो आप जो है किसी लिंक की क्या कर सकते हो, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, इनको अच्छे से समझिए और याद कीजिए, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझा दिया कि इस हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की हम लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका, और इसी के रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ लिंक ऑफ एनी मैकेनिज्म इज द एब्सोल्यूट लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लिंक डिवाइडेड बाय द इंस्टेंटेनियस सेंटर रेडियस, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एट द इंस्टेंट, ठीक है। अगर आपको जो है इंस्टेंटेनियस सेंटर, दो इंस्टेंटेनियस सेंटर की डिस्टेंस मालूम है ये, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप उससे डिवाइड करोगे उसकी रेडियस को, तो आप जो है एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो इसलिए हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर की नीड्स पड़ी।
जैसे कि अगर हमें डिस्टेंस मालूम है तो हम एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको निकालना है, जैसे कि मैंने बताया इसके लिए फॉर्मूला होगा, ये इसी लिंक में अगर हम देखें, ये ओ ए है, ये इस लिंक के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो डब्लू, अगर आपको ओ ए निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, ये लिंक के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा, एंगुलर वेलोसिटी लिंक के रिस्पेक्ट में होगा और वेलोसिटी हमेशा पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है, ये चीज़ याद रखना। तो वी ए अपॉन ओ ए इस हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए अपॉन यहाँ पर क्या होगा आपका, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट, ये वन एंड टू लिंक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं पॉइंट देखूँ तो आई वन टू, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आई टू, जो नेक्स्ट लिंक से कनेक्ट रहेगा, तो आई टू थ्री, आई वन टू और आई टू थ्री, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये आगे लिंक से कनेक्ट रहेगा ना किसी से, तो इस हिसाब से ये डिस्टेंस लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, वी ए आप ये निकाल सकते हो, यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, डब्ल्यू ओ ए मालूम हो और ओ ए की डिस्टेंस मालूम हो तो ये भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपको अगली लिंक के लिए निकालना है, बी पॉइंट के लिए निकालना है, तो हमेशा जो है ये जो बी अगले पॉइंट के लिए निकालोगे तो ये बी ए के बराबर ही होती है जनरली। क्यों होती है ये मैं अभी आगे आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि आप जो वेलोसिटी निकालोगे वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, और इसे हम वी से ए से लिखेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे वो हमेशा लिंक के रिस्पेक्ट में होगा, और इसे हम डब्ल्यू ओ ए पूरी लिंक के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम जो है कौन डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ लिंक, इन दोनों के फॉर्मूलेज मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले न्यूमेरिकल में अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा जो कि बेस्ड है इसी पे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के बारे में, तो इसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, कोई चीज़ अगर आपको अच्छी दिख रही है तो उस पर आप कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है मैं इस पर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो अगले उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पर बेस्ड, एक से दो न्यूमेरिकल, और उसके बाद फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।